वाइल्ड कार्ड पोटी उसका बोटी बोटी बना के चल दिए, और क्या बोलूं, दिल में एक और जबान पे एक नहीं कि दूध का पैकेट फाड़े तो भी अंदर दूध ही निकलना, सोते हुए होता तो कब का निकल जाता, कहीं नाम भले ही कम कमाया होगा बदनाम तो नहीं हुआ। भाई हीरोपंती बंद करो, जरा इज्जत से जियो। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इधर आए, आप लोगों का एक एक आदमी का शुक्र गुजार करता हूँ मैं। और दूसरी चीज़, टॉप 5 तक का पहुँचना बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल था, एकदम अलग ही था मसला। तो मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं टॉप 5 तक आऊँगा बोल के, उम्मीद हार गया था। जब तहलका मेरा भाई 7वें हफ्ते में बाहर निकल गया था घर से, तो मैं टूट सा गया था, फिर अलग ही से एक डिप्रेशन में चले गया था। उसके बाद से जब फैमिली वीक आया, मेरी वाइफ से मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मिसकरेज हुआ, सो वो एक अलग सोने पे सुहागा हो गया था मेरे को वहाँ पर, तो और टूट सा गया था पूरा। अब गाड़ी चलते गई, ऊपर वाला मेरा साथ देते गया, लोगों का प्यार मोहब्बत, उन लोगों को मैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक रियल जेन्यून था कि दिल में एक और ज़बान पे एक नहीं कि दूध का पैकेट फाड़े तो भी अंदर दूध ही निकलना, पानी नहीं अंदर का अंदर दूध, बाहर का बाहर भी दूध ही। तो जो था ओरिजिनल था, रियल था, दैट इज द रीज़न लोगों को मेरी हैदराबादी और मेरी जो रियल है कॉमन, जो कॉमन चीज़ मैं अपने आप को क्या सामने वाले को मेरे में मईपना नहीं है भाई कि मैं छू बोले तो ख़त्म हो गया, मैं छू नहीं, आप भी है मैं भी हूँ, बस इतना मैं बोलना चाहता हूँ। सोते हुए तो नहीं, ये गलत बात है, लोगों का काम है बोलना, तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे को मालूम है, तहलका भाई को मालूम है। और सोते हुए ये चीज़ तो मैं इनकार करता हूँ, मतलब कि वो गलत बात है, सोते हुए होता तो कब का निकल जाता, कहीं ना कहीं मैं टॉप 5 तक आया हूँ तो लोगों को कुछ तो पसंद आया, दैट इज़ द रीज़न मैं टॉप 5 तक आया हूँ। सोते हुए रहा तो पहले दो हफ्ते में गायब हो जाता था। नहीं, मैं पहले तो ये नहीं बोला कि मैं आम बोलने जा रहा हूँ तो लोग जाम समझते, ये नहीं बोला, मैं अगर कुछ बोलूँगा आम तो लोग बनाएंगे जाम, मतलब कि मैं एक आदमी को कुछ बोलूँगा, उससे कुछ डिस्कस करूँगा और वो मेरा नाच आने वाला है, तो उसको उन्हें दूसरों के सामने कुछ और बताएंगा तो लपड़े हो जाएंगे, तो इसी कारण मैं थोड़ा थोड़ा जगह नहीं बोला, थोड़ा थोड़ा जगह बोला। पहले तो वो हैदराबाद का था इमोजी जो था बैगन का, जो हम लोग सिर्फ हैदराबाद में इस्तेमाल करते थे, कहीं ना कहीं बीइंग ए हैदराबादी आई एम सो प्राउड दैट अभी पूरा नेशनल उसको बैगन एक वर्ड इस्तेमाल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। 100 बात की एक बात, घर में तो कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा काम करो बोल के सिखाए नहीं पहली बात, और दूसरी चीज़ सर उठा के आया था और सर उठा के जा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं नाम भले ही कम कमाया होगा बदनाम तो नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, तहलका प्लस तहलका की मिसेज दीपिका भाभी प्लस मेरी वाइफ और जितनी भी जनता है, जो लोग मेरे को बिलीव करते हैं, दैट इज़ द रीज़न मैं यहाँ तक आया हूँ, सबको कोटि कोटि और एक एक को पकड़ पकड़ के मेरा सलाम और नमस्ते। रोते रोते तो टॉप 5 तक आया, एक वाइल्ड कार्ड पोटी उसका बोटी बोटी बना के चल दिए, और क्या बोलूँ, मैसेज तो सही नहीं गया, विनर जो था ऑडियंस के हाथ में था, बहरहाल ऑडियंस जिसको चुनी वो तो विनर बनता ना भाई, अब मुनव्वर को चुनी तो लोगों को ज़्यादा लगता है तो मुनव्वर इज़ द विनर। लेकिन रही दूसरी बात, जो मुनव्वर की तरफ से जो हुई थी गलती, कहीं ना कहीं ही हैज़ एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट किया है कि वो गलती है, उससे इन्फ्लुएंस ना हो, ये भी एक हिसाब से गुड मैसेज गया कि भाई हीरोपंती बंद करो, जरा इज्जत से जियो। बस आंख बंद करके ओम नमः शिवाय बोल रहा हूँ भाई, हर जगह नकली, सामने एक बात करते, पीछे एक बात करते, इधर एक बात करते, 10 मिनट बाद उधर जाके कुछ और बात करते, तो समझ में नहीं आता, तो थोड़े बहुत ऐसा बाता लगते कि भाई अभी वो बाहर की ज़िंदगी होती, अगर कोई टैं 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 करा तो खींच देते, फिर बाद में बात करते, लेकिन वो सब कंट्रोल में रखते। नहीं, अनुराग कहीं ना कहीं वो आए जब से क्राई बेबी था, कुछ भी बोले तो गम के टुकड़े सुनाते रहता था, रोते रहता था, मेरे को वो नहीं है, कुछ भी चीज़ अपने को बोले तो एक्सपोर्टिंगली लेते थे और हमारे को एंकरेज करने के लिए बोलते थे। कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे सोहेल सर और अरबाज सर ब्लैंकेट ओढ़ के तहलका तहलका बैगन बैगन बोले, तो वो एक इनडायरेक्ट वे में भाई तुम लोग ब्लैंकेट में हो, जरा निकलो बाहर कुछ करो बोल के, तो हम उसको स्पोर्टिंगली लिए, ना कि अनुराग के बोलने से कि भाई हम लोग की बेइज्जती हो रही, वो हो रही, वो कुछ कम्युनिटी कार्ड खेल रहा था, वो हम लोग नहीं खेल। पहले तो सबर सीखा मैं, बहुत बड़ा सबर समुंदर से बड़ा है, गारत का गड़ा है इतना बड़ा है, तो सबर मैं बेसबरा था, एकदम अमूल बेबी था घर में, पैम्पर्ड किड था, मेरी अम्मा मेरे को आज भी खाना खिलाती, तो पूरे शौका पूरे जितने भी अपने राजा ज़िंदगी छोड़ के आके ये ज़िंदगी जी रहे, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी की धूप लग गई, बड़े लेवल पर लग गई और बहुत कुछ सीखने को मिला, काम अपना खुद का कुछ करके एक स्ट्रांग इंडिविजुअल कहला लो, पैम्पर्ड किड से एक इंडिविजुअल आदमी, मतलब एक रियल मैन बन के निकला हूँ। अब देखो भाई, मेरा पेट नहीं गंडी पेट था, अंदर दो रोटी पे ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा था, इतना सा चावल बाहर में दबा के 10-10 रोटी खींचता था, कभी रसगुल्ला कभी गुलाब जामुन, जो आ रहा खाली आंदो 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 था, अंदर जाके लिमिट लग गई, तो जरा मसला अच्छा ही छुआ ना भाई, बेहतरीन दिख रहा, और क्या होना तुम्हारे को, सबसे मिलेंगे ना भाई, मोहब्बत की ज़िंदगी है, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, किसे क्या दुश्मनी रखे, क्या करना है भाई बोलो।